दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील तंवर, आपके बीच डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर जयपुर। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे नेजल ब्लॉकेज की समस्या। क्या है नेजल ब्लॉकेज एंड क्यों, कैसे इसको पहचानना है, कैसे इसको ट्रीट कराना है? नेजल ब्लॉकेज, अगर आप नेजल ब्लॉकेज की समस्या से ग्रसित हैं, आप अपने आप को एक आइडेंटिफाई की, बिकॉज नेजल ब्लॉकेज की समस्या के जो मोस्ट कॉमन कारण हैं, आप कैसे जाने कि मैं किस नेजल ब्लॉकेज की समस्या से पीड़ित हूँ? नेजल ब्लॉकेज का कारण जो पहले हो सकता है आप एलर्जी की समस्या से ग्रसित हो सकता है आपके नाक की हड्डी का कोई डेविएशन या नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकता है आप कोई पुराना कोई एक्सीडेंट, कोई क्रिकेट बाल इंजरी या कोई पुराना नोज के अंदर इन्फेक्शन हुआ हो, तो ये नेजल ब्लॉकेज की समस्या के मोस्ट कॉमन कारण हैं। बट नेजल ब्लॉकेज की जो समस्या है वो अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है, इसलिए इसको नेवर टेक लाइटली, इसको कभी भी बहुत लाइटली नहीं लेना है। क्यों? बिकॉज अगर आप नेजल ब्लॉकेज की समस्या से ग्रसित हैं, आपको नोज से जितनी आपको ब्रीदिंग हो रही है वो नहीं हो पा रही है, जितनी आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, बट आपकी जो आप जब नेजल ब्लॉकेज की समस्या से पीड़ित हो तो आप नाक बंद रहने के कारण आपका जो ब्रीदिंग है वो माउथ ब्रीदिंग होगा, आपको मुंह से सांस लेने की आदत होगी। लेकिन जब बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माउथ ब्रीदिंग एंड द नोज ब्रीदिंग के बीच में आपको जितनी आपको प्यूरीफाई ऑक्सीजन आपके बॉडी में जो नोज फ्रेश ओपन नोज के टाइम जो जानी चाहिए वो नहीं जाती, सो आप धीरे धीरे कंटिन्यू जो है, जब आपको पूरी ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलती तो लंबे समय तक ऐसा रहने से अपने हार्ट को क्या है, बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। इसलिए अपने को कार्डियक लॉन्ग स्टैंडिंग, जब लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रहती है तो अपने को कार्डियक प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। लंबे समय तक नाक ब्लॉकेज की जब समस्या चलती रहती है तो पेशेंट को बहुत बार अस्थमा से पीड़ित हो जाता है। सो अपने को एक उचित समय में अपने को नोज ब्लॉकेज की समस्या को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अपने को नोज ब्लॉकेज रहता है तो जो रिलेटेड जो डॉक्टर है, ENT स्पेशलिस्ट या जैसे जहाँ पे एंडोस्कोपी की फैसिलिटी है, कि क्या कारण है मेरे नोज ब्लॉकेज का, उसको अपने को ट्रीट करना है। सो अगर अपनी नोज ब्लॉकेज अगर अपने को कंटिन्यू रहती है तो आपको धीरे धीरे माउथ ब्रीदिंग के कारण स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, खर्रांटे की प्रॉब्लम हो जाती है, उससे आपके लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम होती है। अगर आप कंटिन्यू आपका नोज ब्लॉकेज रहता है, माउथ ब्रीदिंग आप करते हो, जितनी ऑक्सीजन बॉडी को मिलनी चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसके कारण अपने को पूरा जो है अपना लाइफ स्टाइल जो है वो अपना सफ़र होता है। बिकॉज अपन प्रॉपरली क्या है, अपनी जो 8 घंटे की नींद ले पाते हैं वो नहीं ले पाते, क्योंकि अपन कभी इधर सो रहे हैं कभी इधर सो रहे हैं। सो जानिए अपने नोज ब्लॉकेज की समस्या को उचित समय पे और उसका उचित इलाज कराइए। मैं आपको नोज के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं उसके लिए फिर मिलूँगा। आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली बार जब अपन मिलेंगे, मैं आपको नोज़ की जो स्नोरिंग की जो समस्या है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।